राम जलाल खेड़ी के श्री नारायण सिंह जी और साथ साथ में ये हमारे सभी युवा कृषकगण सभी का आज के इस निरीक्षण और भ्रमण कार्यक्रम में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच डॉक्टर विनीत कुमार जी, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र खंडवा रोड इंदौर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पदस्थ हैं, आज हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं स्वयं डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन एवं आगर मालवा से मैं अपने सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज जिस खेत पे खड़े हैं यह कहते हुए हमें सुखद अनुभूति हो रही है कि श्री नारायण जी ने अपने खेतों पे, जो कि हमारे हाथ में पौधा है एनआरसी 181, देखें कि इसमें कितनी बढ़िया फलियां लगी हुई हैं। और डॉक्टर साहब के भी पास में पौधा है, देखें, अपने आप में अपना बयान कर रही है। इसके साथ ही साइड में थोड़ा सा नजर डालें तो 23-03 जो हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जो है विकसित की गई है, उस प्रजाति को भी इस खेत में जो है बोया गया है। और इधर जो है राइट हैंड में हम देखें, दाहिने हाथ में हम देखें तो एनआरसी 152 और एनआरसी 142 काफी किसानों के खेतों में प्रचलन में है और सभी में बहुत बखूबी के साथ इसमें जो है आपकी फलियां लगी हुई हैं और इसमें दाने की भराव की स्थिति है। और निश्चित ही ये प्रजातियां यदि अपने किसान भाई अपने खेतों में समाहित करते हैं या अपने कल्टीवेशन में इसको शामिल करते हैं तो निश्चित ही सोयाबीन की जो उत्पादन और उत्पादकता उसको अधिक से अधिक प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन एक चीज और इस खेत पे कहते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि देखें तो इसकी प्रजातियों के चयन के साथ साथ में जो हमारी बुआई की पद्धतियां हैं उसको भी इसमें अनुपालन किया गया है कि रेस्ट बेड तकनीक से बोया गया है, गरड़ पे सोयाबीन लगी हुई है। और यदि लाइन से लाइन की बात करें तो कम से कम जो है 18 इंच से लेकर के जो है आपका 20 इंच तक जो है ये आपका बोई गई है, और जिससे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छी होगी और दाने का जो इसमें क्वालिटी है गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे किसानों को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप प्रजातियों का संकलन करते हैं तो उसके साथ साथ में जो उसके अन्य विधियां हैं कि कितना बीज डालें और कितनी दूरी पे बोएं और कौन कौन से जो है किस समय जो है उसमें नीदा नाशक दवाओं का उपयोग करके जो है खरपतवार का नियंत्रण करें, साथ साथ में आवश्यकता अनुरूप जो पौध संरक्षण की दवाई है उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और यदि ये संदेश देना बहुत जरूरी मैं समझता हूं कि कभी भी 2 से 3 दवाइयां जो कि अनुशंसित नहीं है उसको मिला करके उसका स्प्रे न करें, अन्यथा की स्थिति में उनके खेतों पर जो है पौधों पर जो है जो उसके विषाक्तता के लक्षण हैं, फाइटोटॉक्सिसिटी जिसको बोलते हैं, वो निश्चित रूप से परिलक्षित होगी और अब उनको नुकसान होगा। तो इस माध्यम से, इस खेत के माध्यम से ये मैं जरूर कहूंगा कि किसान भाई जो नवीन प्रजातियों का जो आप चयन कर रहे हैं उसमें 60 किलो जो है बीज का प्रति हेक्टेयर उपयोग करें, साथ साथ में कम से कम 18 इंच से 20 इंच पर बुआई करें और सही समय पे खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग करें और अनुशंसित जो खाद है उसमें जो हमारी एनपीके की मात्रा है अगर उसको देखें तो जो हमारा अनुशंसित है उसके हिसाब से 2 क्विंटल मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर और वो आकलन में आती है जो 5 बीघा के लिए पर्याप्त होती है, और उसके साथ साथ में जिंक सल्फेट का उपयोग जरूर करें और आवश्यकता अनुरूप
उसको लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में जब यदि महसूस होता है, कुछ हिडन हंगर दिखाई देती है, बीमारी दिखाई देती है, न्यूट्रिशनल दिखाई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो उस समय जो है एक्सपर्ट से, विशेषज्ञ से सलाह लेकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू विनायक, बहुत बहुत धन्यवाद।